अपना देश से जुड़े सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पितरों के बारे में। पितरों का आदर किस तरह से समृद्धि का आधार होता है, पितरों की जो तस्वीर है उन्हें हमें किस जगह पर स्थापित करना चाहिए, इनसे जुड़ी वास्तु सम्मत बातों को हम जानेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर में पितरों की सही जगह क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पितरों का आदर करने से घर में समृद्धि कैसे आती है। दोस्तों, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है। आप चाहे वास्तु को माने या न माने, ये चीजें फिक्स हैं। जैसे बच्चा एक जन्म लेता है तो ये फिक्स है कि उसकी ग्रोथ होनी है, लेकिन उसकी ग्रोथ कैसे होगी ये डिपेंड करता है उसकी परवरिश पर, उसके संस्कार पर। अच्छे संस्कार देने से बच्चा संस्कारी होगा और गलत संस्कार देने से बच्चे में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ने लगती है। वैसे ही घर की जब चार दीवारी खड़ी होती है उसके साथ ही वास्तु पुरुष की शक्तियां भी एक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर घर को सही तरीके से बनाया जाए, वास्तु सम्मत बनाया जाए, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। लेकिन अगर गलत तरीके से बनाया जाए, वास्तु के नियमों का ख्याल नहीं रखा जाए, तो उसमें नेगेटिव शक्तियां वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आप विश्वास करें या ना करें, वास्तु अपना काम करता रहता है, वो हमारे जीवन पे इफेक्ट डालता रहता है और एस्ट्रोलॉजी का भी इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। और तो वास्तु में पितरों को बहुत अधिक महत्व दिया है, इवन भगवान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस पितरों को दी गई। इसका कारण क्या है कि हमें जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उस समय उस परिस्थिति या उस सिचुएशन से उबरने के लिए हमें जो मदद चाहिए होती है वह हमारे पितृगण करते हैं। ये मदद प्रज्ञा यानी कि हमें इंट्यूशन के माध्यम से होती है। हमें कुछ इंट्यूशन होने लग जाते हैं पहले से कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, संकट आने वाला है, तो हम लोग मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। यदि हमें विपरीत हालत में आगे बढ़ने के लिए राह दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, हमें हिम्मत रखनी, वो हिम्मत भी हमारे पितृ शक्तियों की वजह से आती है। इसके साथ ही हमें जरूरत पड़ती है दक्षता की, ताकि हम अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। ये दक्षता या प्रज्ञा ये हमें अपने पूर्वजों के साथ जुड़े रहने से मिलती है। दोस्तों, जुड़े होने का मतलब ये होता है कि हमारे मन में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा हो, हम अपने कुल की परंपराओं का पालन करते रहे। आश्विन माह में पड़ने वाला पितृपक्ष इसी जुड़ाव यानी कनेक्टिविटी का द्योतक है। यदि आपके यहाँ पितृ तर्पण के लिए कोई खास कर्म कांड करने की परंपरा, तो उसे आपको जरूर से निभाना चाहिए, क्योंकि एक बार आपकी कनेक्टिविटी अगर टूट गई तो जीवन में कुछ भी करना असंभव हो जाएगा। यदि आपके यहाँ किसी खास मंदिर में जाकर पितृ अर्पण करने की, पितृ तर्पण और दान करने की परंपरा है, तो आप चाहे कितने भी बिजी हो, आपने उस चीज को प्रायोरिटी देनी है, आपने जरूर वहां जाकर पूजा कर्म करना है। और दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, समय नहीं है, तो कम से कम जलांजलि तो अपने पितरों के नाम से आपने अवश्य ही देनी चाहिए। दोस्तों, साल में पितृ पक्ष में जो पूजा करने का एक रीजन ये है कि हमारे दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जो हमारा भौतिक शरीर है जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। जबकि सच्चाई है कि जो व्यक्ति दोस्तों इस पितृ पक्ष से संबंध तोड़ लेता है, उसके दोनों शरीर यानी कि सूक्ष्म और मानस शरीर जो भौतिक शरीर है, वो आपस में जो कनेक्टिविटी है उनकी टूट जाती है, और ऐसे में जो सिर्फ स्थूल शरीर है वही रह पाता है। और हम खुद को बड़ी ही दुविधा में फील करते हैं, हम जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते हैं, जो मानस शरीर है उसे प्रज्ञा के रूप में समाधान हम नहीं प्रदान कर पाते हैं, और हम अपनी समस्याओं का हल भी ढूंढने में असमर्थ पाते हैं। यही वजह है कि हम साल में एक बार पितृपक्ष के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, ताकि उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी यानी कि जुड़ाव गहरा हो, और हम मानस शरीर किसी भी स्थिति में निपटने के लिए ज्ञान रूपी समाधान जो है वो प्राप्त कर सके। तो ये तो ही दोस्तों कि हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, अपने पितरों का आदर क्यों करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें अपने पितरों की जो तस्वीर है, जो बेसिकली सभी घरों में पाई जाती है, सभी अपने पितरों को मानते हैं और अपने घरों में अपने पितरों की तस्वीर को जरूर लगा कर रखते हैं। अगर दोस्तों, अगर आपने नहीं लगा के रखी है तो आपने जरूर से लगा के रखनी चाहिए। उनके साथ में नीचे उनका नाम भी जरूर लिखना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उन्हें जान सके, उन्हें पहचान सके। दोस्तों, ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इवन वास्तु की माने तो
पैतृक घर के जो वास्तु दोष होते हैं वो हमें दूर रहते हुए भी इफेक्ट करते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने पितरों से जुड़े रहना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्हें जान पहचान होना, उनसे हमें इंट्रो तो कम से कम होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे, ये तो बच्चों को मालूम होना ही चाहिए। तो नाम के साथ आपने तस्वीरें जो है घर में लगानी चाहिए। और दोस्तों घर के मंदिर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बहुत से जन जो है अपने घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर और अपने गुरुओं की तस्वीर रखते हैं, जबकि घर के मंदिर में ईश्वर के अलावा किसी की भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इवन मंदिर के पास में भी आपने तस्वीर को, जैसे कई जन क्या करते हैं मंदिर के पास में एक चौकी लगाते हैं या फिर वॉल के ऊपर तस्वीर को टांग देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इवन अपने गुरुओं की जो तस्वीर होती है, गुरु देव तुल्य होते हैं लेकिन देव नहीं होते, उनकी पूजा का स्थान दूसरा होता है, इसलिए उन्हें आपने कभी मंदिर में नहीं रखना है। और साथ ही दोस्तों कई बार क्या होता है, हम जब किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं घूमने गए, तो वहां से वहां की जो मंदिर की तस्वीर है उसे ले आते हैं और उसे मंदिर में रख लेते हैं, तो ऐसा भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों जितनी आप डेली बेसिस पूजा करते हैं बस उनकी एक एक तस्वीर ही आप रखिए। बहुत ज़्यादा तस्वीरें जो मंदिर में ना रखें, क्योंकि एक तो ये होगा कि आप बहुत अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाएंगे, और दूसरा दोस्तों अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते, क्लीन नहीं कर पाते अच्छे से, पूजा पाठ उनके नियम से नहीं कर पाते, तो ये फायदे की बजाय आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी आप जब कभी जाएं तो वहाँ पे आप पूजा पाठ अवश्य करें, लेकिन वहाँ से तस्वीरें बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके ना लेके आए, क्योंकि फिर वो यूज़ नहीं होती है, वो इधर उधर ही रखी जाती हैं। तो आपने इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है दोस्तों कि किसी भी विशेष मंदिर की तस्वीर को अपने घर के मंदिर में ना रखें। और उसका एक रीज़न ये भी है कि मंदिर में जहाँ पे वो तस्वीर होती है वहाँ पे पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन घर में हम लोग इतने, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, इतने कठिन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, हमसे चूक हो जाती है, तो इसलिए हमें इसलिए भी घर में जो विशेष मंदिर है उनकी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि घर में ब्रह्म स्थान में अगर बीचों बीच कोई पिल्लर है तो पिल्लर के ऊपर क्या होता है, कील मार के हम तस्वीर टांग देते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये भी होता है कि लोग ड्राइंग रूम में कई बार पिल्लर होता है तो सोचते हैं कि हमें हमारे पितरों का जो चेहरा है वो दिखता रहे, हमारे सामने रहे, तो इसके लिए भी वो लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिन लोगों के घर में इस तरह से होता है उनके मान सम्मान में हानि पहुंचती है। दोस्तों इस तरह से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। आपने ब्रह्म स्थान में कभी भी अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, और जहां तक हो सके दोस्तों बेडरूम में भी पितरों की तस्वीर आपने नहीं लगानी चाहिए। ये तो हुआ कि अब कहाँ नहीं लगाए, तो प्रश्न होता है कि अब कहाँ लगाए। दोस्तों पितरों की जो जगह होती है घर में वो होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा जो है, नैऋत्य कोना जो घर का, दक्षिण पश्चिम कोना जो होता है वह पितरों का ही कोना माना जाता है, वह दक्षता का कोना होता है। दोस्तों नंदी बैल को वास्तु के अनुसार वहां रखा जाता है, और नंदी बैल जो है वह पितरों के गुरु माने गए हैं, पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं नंदी बैल, इसलिए उन्हें वहां स्थापित किया जाता है। तो वास्तु की माने तो दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो पितरों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, और वहाँ पर भी आपने जो तस्वीर है उसको पश्चिम की दीवार पर आपने लगाना है। दोस्तों इसके पीछे एक कारण ये होता है कि जितने भी देव हुए हैं जिन्होंने अवतार लिया है, जितने भी गुरु हुए हैं जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है, उन सब की पूजा हमेशा पश्चिम मुखी ही होती है। आप चाहे किसी भी चर्च को देख लीजिए, वहाँ पर पूजा आपको पश्चिम मुखी ही होगी। जितने भी साईं बाबा के मंदिर होंगे वो सब पश्चिम मुखी होंगे, क्योंकि जिन्होंने भी जन्म लिया है उन सभी देव और गुरुओं की पूजा पश्चिम मुखी होकर ही की जाती है। इसीलिए अपने पितरों की तस्वीर जब भी आप लगाएं वह पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम के कोने की दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के टाइम आपने एक विशेष चीज का ख्याल रखना है कि जो तस्वीर का मुंह है वो इस तरह से रहे कि जो नॉर्थ ईस्ट दिशा उसे 180 डिग्री से यानी कि जस्ट तिरछी दिशा में रहे, ताकि भगवान से उनकी नजर जो वो मिलती रहे। इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो दिशा का, तो आपने एक सीधा सा काम करना, आपका घर का मंदिर जहां पर भी हो
उसके जस्ट अपोजिट दिशा में आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा देनी है। दोस्तों तुरंत आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि भगवान और हमारे बीच में एक कड़ी होती है, वह कड़ी होती है हमारे पितृगण। जो भी हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, मनोकामनाएं, जो कुछ भी होती है, जो हम अपने पितरों को कहते हैं, पितरों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो स्वयं हमारी इच्छा पूर्ण करें, लेकिन वे ईश्वर के थ्रू हमारी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करवाने का पावर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पितरों में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचा सके। इसलिए दोस्तों कनेक्टिविटी हमारे हमारे पितरों के साथ होनी बहुत जरूरी है, और पितर शक्तिशाली हो इसके लिए उन्हें घर में सही स्थान पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्हें अगर शक्तिशाली आपने बनाना है तो उसके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, कि अपने घर में साउथ वेस्ट दिशा में आपने कोई भी रेड कलर का सामान वहां नहीं रखना है। कोई भी अगर लाल रंग का फर्नीचर है या कोई भी चीज़ है रेड कलर की वहाँ पे है तो आपने हटा देनी, या फिर अगर वहाँ पे आपका बेड आता है तो आपने वहाँ पर बेड पर रेड कलर की बेडशीट चढ़ाना जो है वो छोड़ देना है। वहाँ पे आप येलो कलर की, ऑफ वाइट ग्रे कलर की बेडशीट आप लगा सकते हैं, लेकिन रेड को अवॉइड करें। और साथ ही दूसरी चीज, आपने वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं लगाने। साउथ वेस्ट में आपने ग्रीन कलर को बिल्कुल से अवॉइड करना है। वहाँ पे आपने ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना है, क्योंकि दोस्तों अगर वहाँ पर ग्रीन कलर आए तो ये 100% तय है कि आपके घर में रिश्तों में तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, चाहे वो माँ बेटे के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में। आप चाहे किसी भी घर में जाकर देख लीजिए, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट दिशा में आपने चेक करना है। अगर वहाँ पर ग्रीन प्लांट से कोई ग्रीन कलर की कोई चीज़ है तो उस घर में पारिवारिक कलह होना निश्चित है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, पितरों का आशीर्वाद रहे, तो घर की साउथ वेस्ट दिशा में आपने रेड कलर, ग्रीन कलर को अवॉइड करना है। वहाँ पर अपने पितरों की तस्वीर लगानी है, वह सुंदर से फ्रेम करवा के आप लगाएं, और जहाँ तक हो सके आप गोल्डन फ्रेम में आप तस्वीर लगाएं तो और भी ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और पितरों की तस्वीर के लिए आपने घर के मंदिर से जस्ट अपोजिट दिशा में आपने तस्वीर लगानी है। दोस्तों इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये एकदम वास्तु के अकॉर्डिंग परफेक्ट चीज़ है, आजमाई हुई चीज़ है, आप भी आजमा के देख लीजिए। और अगर आपको दिशा का कंफ्यूजन हो तो या तो आप कंपास यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सुबह घर के सेंटर में खड़े होकर आप सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाइए, और वहाँ से जस्ट आपके लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होगा और राइट हैंड की तरफ साउथ। तो इस तरह से आप दिशाओं का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस दिशा में कौन सी दिशा है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ मान के चलिए, कोई भी घर एग्जैक्ट ईस्ट में नहीं होता, ना ही कोई एग्जैक्ट नॉर्थ में होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। इसलिए हर कोना जो थोड़ा थोड़ा घुमा हुआ होता है, कोई लेफ्ट की तरफ ज़्यादा घुमा हुआ तो कोई राइट की तरफ घुमा रहता है। इसीलिए आपने एग्जैक्ट दिशा के लिए आपने कंपास यूज़ कर लेना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप एग्जैक्ट दिशा को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर अच्छा लगा तो आपने पूरे मन से इसे शेयर करना है आपके जान पहचान के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, ताकि इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उन सभी लोगों को मिल सके। कि बेसिकली सभी के घर में अपने पितरों की तस्वीर जरूर होती है, लेकिन उन तस्वीरों के होते हुए भी अपने पितरों का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि वो गलत जगह पर होती हैं। तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करना है, और आगे भी दोस्तों वास्तु से जुड़े और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए आप अपना देश चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करते ही आपके सामने आएगा घंटी का बटन, जिसे कि आपने प्रेस कर देना है, ताकि चैनल की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा।